एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक खुर्जा में स्थित दस्तुरा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने भावना को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 5000 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 17 किलोमीटर ही है। लगभग 3250 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 1400 राशन कार्ड धारक हैं जिन्हें समय से राशन वितरित किया जा रहा है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 230 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 हैंडपंप लगे हुए हैं जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 7 नल रिवॉल्व कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 6 ट्रांसफार्मर व 15 सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली व स्कूल में मरम्मत कार्य भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में 3 प्रधानमंत्री आवास, 600 इज्जत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट व पानी निकासी के लिए नाले के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम नाहर सिंह है। मेरी पत्नी ग्राम पंचायत दस्तूरा से प्रधान है। हमने गांव में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं जैसे इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली निर्माण, स्कूलों की मरम्मत, लेकिन फिर भी कार्य अधूरे हैं हमारे। ना तो ग्राम में कोई शौचालय दिया गया है आज तक, जबकि कम से कम 600 शौचालय चाहिए हमें। और गांव में आवासहीन भी हैं, उनके लिए आवास के लिए जगह भी चाहिए और आवास भी चाहिए। गरीब लोग हैं, स्वयं नहीं बना सकते वो। शमशानों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। शमशानों की चार दीवारी भी होनी चाहिए, दाएं बाएं के इधर उधर वाले खेतों वाले ने तोड़ रखे हैं वो। पैसा काफ़ी आ रहा है लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि शमशानों तक रास्ते पहुँच सकें। आंगनवाड़ी केंद्रों की भी काफ़ी दुर्दशा है। बिल्डिंग आज तक लगभग 15 साल पहले बनी थी वो, और आज तक अधूरी पड़ी है। ना उस पर प्लास्टर है, ना उस पर चार दीवारी है, ना उसके जो लेंटर पूरा हुआ है उसका। और आंगनवाड़ी केंद्र की दूसरे की भी ज़रूरत है। सलेमपुरा के अंदर कोई आंगनवाड़ी नहीं है। सलेमपुरा और दस्तूरा की जॉइंट प्रधान है। काफ़ी डिस्टेंस है दोनों गांवों में, लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जबकि सीधा रास्ता भी नहीं है। पेयजल की भी अभी अभाव है का, तो लगभग 6-7 हैंडपंप नए भी लगने चाहिए। पानी की निकासी की बहुत बुरी स्थिति है। कहीं कोई तालाब नहीं है, तालाब है तो उसकी नाप तोल नहीं करते लेखपाल वगैरह। इन्होंने इनको काफ़ी कहा है हमने कि भाई इसको नापो। ग्राम पंचायत सचिव भी पूरा सहयोग नहीं कर रहा है हमारे काम करवाने में। ये समस्या है हमारे सामने। हमने जो कार्य कराए हैं अभी तक लगभग 45 लाख रुपए से हमने गांव का विकास कराया है, जो पिछले साल गई है और ये साल में धनराशि है हमारे पास लगाने के लिए। अभी प्रयासरत हैं जो काम कराए हैं उनमें इंटरलॉकिंग के काम हैं, तो ये हमने काम कराए हैं। खासकर जिला पंचायत से भी लगभग 45 लाख रुपए के काम हमने अपने गांव में कराए हैं। वो सांसद निधि से भी डिमांड की है और वो भी कुछ काम करवा। बिजली की स्थिति, ट्रांसफार्मर है गांव में लेकिन फिर भी कम से कम 3 ट्रांसफार्मर और होने चाहिए। पोल की भी हमने लगभग 20-30 पोल और गांव में लगे, तो ऐसी स्थिति है। और पूरी उम्मीद करें सरकार हमारा जो समर्थन करेगी, सहयोग करेगी।